जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड एकादश के खिलाफ भारत के अभ्यास मैच में दूसरे दिन शानदार गेंदबाजी की और वेलिंगटन में होने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले घरेलू टीम में चेता दिया कि मेज़बानों के लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं रहेंगी। न्यूजीलैंड की टीम 74.2 ओवर में 235 रन पर सिमट गई, जिसमें बुमराह ने 11 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए और शमी ने 10 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट के साथ परिस्थितियों का अच्छा इस्तेमाल किया। उमेश यादव ने 13 ओवर में 49 रन देकर 2 विकेट लिए और नवदीप सैनी ने 15 ओवर में 58 रन देकर 2 विकेट लिए। नवदीप सैनी के कई ओवर फेंके, लेकिन वे टीम के दो मुख्य तेज गेंदबाजों की तरह अपने स्पेल से बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर सके। पिच अब बल्लेबाजों के लिए आसान होती जा रही है। पृथ्वी शॉ 19 गेंद में नाबाद 29 रन बनाए और कई कवर ड्राइव लगाई और उनकी पारी में एक शानदार छक्का भी शामिल रहा, जबकि मयंक अग्रवाल ने 17 गेंद में नाबाद 23 रन बनाए और एक छक्का भी लगाया, जिससे दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने बिना विकेट गंवाए 53 रन बना लिए। मुख्य कोच रवि शास्त्री अपने तेज गेंदबाजों की लय देखना चाहते थे और बुमराह व शमी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। उमेश और सैनी ने हालांकि अपने पहले स्पेल में काफ़ी फुल लेंथ फेंकी। बुमराह ने उछाल हासिल करते हुए बल्लेबाजों को परेशान किया और 3 छोटे स्पेल में गेंदबाजों की, जबकि शमी ने 2 स्पेल डाले। शमी ने ध्यान सीम को दोनों तरीकों से गेंदबाजी करने पर लगाया। बुमराह ने विल यांग को कोड लेती गेंद से पल्ला छुआने के लिए उकसाया और ऋषभ पंत ने इस कैच को लपकने में ज़रा भी गलती नहीं करी। इसके बाद उन्होंने फिन एलन का विकेट झटका। लंच के बाद शमी के दूसरे स्पेल ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान किया, जिसमें सीनियर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिमी निशाम शामिल थे, जो उनकी अतिरिक्त उछाल लेती गेंद का सामना नहीं कर सके। इससे पहले उन्होंने क्रीज पर जमे हुए हेनरी कूपर को फुल लेंथ गेंद पर आउट किया। इसके बाद दोनों अंतिम सत्र में गेंदबाजी के लिए नहीं उतरे। अंत में आधा घंटा काफ़ी मनोरंजक रहा, जिसमें स्कॉट कुगेलन और ब्लेयर टिकनर की गेंदों को शॉ और अग्रवाल ने काफ़ी पीटा और आसानी से रन जुटाए। भारत ने लगातार दूसरे दिन शॉ अग्रवाल की सलामी जोड़ी को उतारा, जिससे शुभम गिल को शायद अपने टेस्ट पदार्पण के लिए इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स से ज्योति की रिपोर्ट।